सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अल्फा राइडर, यू आर वाचिंग अल्फा राइडर चैनल। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रॉयल एनफील्ड तरफ से जो गाइस नई न्यूज आई है उनके कुछ सभी 15,000 जो मॉडल्स हैं इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी और हिमालयन रिकॉल हुए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहे गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो गाइज जैसा आपको पता रहेगा कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो जे प्लेटफॉर्म है रॉयल फील्ड का, जिसके ऊपर इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी बनाया गया है, और हिमालयन भी काफ़ी एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म है। यूके और यूएस और या फिर कोरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे ये जो मॉडल्स है रिकॉल किए गए हैं, और एक पर्टिकुलर रीज़न है क्योंकि रस्टिंग का इशू है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा गाइज कवर करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमने रॉयल फील्ड के साथ अभी ही नहीं बल्कि बहुत समय से देखा है कि उसके अंदर रस्टिंग का प्रॉब्लम आया बहुत है। और जहाँ तक जो नई बाइक्स है इनफील्ड की, उसके अंदर भी, इंडिया के अंदर भी आपको रस्टिंग का इशू कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉडल में मिलता ही है। मतलब ऑब्वियसली क्लासिक जो है इन सब में तो है ही, क्लासिक और थंडरबर्ड वगैरह जो है, बट जो नया जो प्लेटफॉर्म है जे प्लेटफॉर्म, उसमें भी ये होना एक कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए कि यार आप इतनी एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल रहे हो बट रस्टिंग का इशू आ रहा है। तो बेसिकली प्राइमरीली गाइस जो रस्टिंग के इशू 2 से 3 तरीके से होते हैं। अगर आप किसी बीच साइड एरिया में रहते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बाइक्स अगर ज़्यादा यूज नहीं होती या फिर आप प्रॉपरली उसको क्लीनिंग नहीं करते हो तो रस्टिंग के इशू आ सकते हैं। देन सेकेंडरी रहता है जहाँ पे अगेन आप बहुत बर्फबारी वाली जगह पे रहते हो जहाँ पे पानी या फिर बर्फ अटकती रहती है आपके इसके अंदर, तो वहाँ पे। और तीसरा गाइस रीज़न रहता है कि क्वालिटी या फिर पेंट में इशू हो या फिर ओवरऑल जो वेल्डिंग जो की गई है बाइक में उसी में ही वो प्रॉपर मटेरियल यूज़ नहीं किया रहता, जिसके कारण रस्टिंग आ जाती है। और जहाँ तक इस न्यूज़ की बात है 15,000, तो ये बताया जा रहा है कि बर्फबारी थी काफ़ी था उसके कारण इशू हो गया कि रस्टिंग वगैरह हो गई। बट ये गाइज इंडिया में भी काफ़ी एक इशू रहा है पहले से ही, और काफ़ी लीक्स और काफ़ी मैंने देखा है। हिमालयन की तो आप बात ही अलग कर दो, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इंटरसेप्टर में भी रस्टिंग के इश्यूज आते हुए, और ये गाइज एक बहुत ही चिंताजनक बात होती है क्योंकि जब एक चीज़ रस्ट होती है उससे उसकी एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ख़त्म होने लगती है बाइक की। मतलब अगर जॉइंट पे रस्ट आ गया तो जॉइंट का जो एक पावर रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, वो कम होने लगता है धीरे धीरे अगर उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया तो। और जहाँ तक ये जो बोल रहे हैं जो रिकॉल हुआ है वो ब्रेक कैलिपर्स में हुआ है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ब्रेक अगर प्रॉपरली लग नहीं रहे हो या फिर यार वो ब्रेक की आवाज़ आती है, जैसे अगर आप एनफील्ड को आप यूज़ करते हो तो पता है आप में कोई ना कोई आवाज़ आ ही रही होती है उस बाइक में से। तो मुझे लगता है गाइस कि ये एक इशू है जो रॉयल फील्ड ने सॉल्व कर देना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं कर रहे या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो देख ही रहे। बट जहाँ तक जो नई बाइक्स आने वाली है मेटियोर 350 और जो एक नई 250 सीसी की बाइक जो लॉन्च होने वाली है, जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं उस पर इनफील्ड ने ध्यान देना चाहिए। शायद वो एक अच्छे बेटर ओवरऑल क्वालिटी लेके आए, और जैसे आपने इनफील्ड इंटरसेप्टर के अंदर देखा है कि काफ़ी बेटर क्वालिटी है बट स्टिल कहीं ना कहीं वो मार खा जाती है छोटे मोटे रस्टिंग के कारण। तो ये सब चीज़ें अगर एडजस्ट हो जाती है एक प्रॉपर पेंट कोटिंग या फिर एक प्रॉपर एंटी रस्ट कोटिंग के साथ में, और मुझे आप लोगों को भी बोलना है गाइस कि अगर आप लिटरली चाहते हो कि आपकी बाइक रस्ट ना हो, ध्यान दीजिए अपने बाइक को, प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए, ज़्यादा पानी के साथ उसको क्लीनिंग मत कीजिए। मतलब मैंने देखा है लोगों को रोज़ धोते हैं बाइक, रोज़ नहीं धोना है गाइस बाइक को, ज़्यादा धोने से गाड़ी की जो रस्टिंग की इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि एंटी रस्ट जो कोटिंग्स रहती है आप वो खुद लगाइए, जहाँ पे कहीं पे भी आपको रस्ट दिखता है तो वहाँ पे आप वो सब लगाइए, जो भी इंटरेस्ट कोटिंग के जो भी चीज़ें रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बाइक मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि आपको कैसे मेंटेन रखना चाहिए, तो मैं वो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बनाना आप चाहते हो कि वो वीडियो देखना, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँ। बट ओवरऑल गाइज ये एक मतलब एक ओनर और एक मैन्युफैक्चरर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाइक के अंदर पार्ट्स अच्छे हो और उन पार्ट्स का अच्छा से ख्याल रखा जाए बाय ओनर। यही था गाइज इस वीडियो का टॉपिक अबाउट जो 15,000 रिकॉल हुए हैं इन बाइक्स के ऊपर, और इंडिया के अंदर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब बाहर ही है। तो इंडिया के अंदर मुझे लगता नहीं कि अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ बस वही है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोगों की बाइक पड़ी हुई है, तो मैं वही चाह रहा था कि एक आप थोड़ा सा ध्यान दो, एंटी रस्ट कोट वगैरह लगाओ। अगेन आप मुझे चाहते हो कि मैं एक पूरा मेंटेनेंस वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बना दूंगा। तो ये था गाइस एक डिस्कशन अबाउट दिस
न्यूज़। तो गाइस अगर ये आपको डिस्कशन पसंद आया है या फिर आपको ऐसे ही न्यूज़ वगैरह देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ये वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन। और आपको मुझे कोई भी सवाल या सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे उनके क्वेश्चंस पूछते हैं। आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ एंड यस मैं कहता हूँ डोंट लिव, राइड योर लाइफ गाइस, बाय बाय।